रिसेंटली मैंने नीट 2022 एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और उसमें मेरा स्कोर जो है वो 582 है। रही बात मेरी इनिशियल स्कूलिंग की, तो मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग हजरत पब्लिक स्कूल अवंतीपुरा से की है। वहाँ तक मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। उसके बाद मैंने 11th 12th जो है वो आकाश इंस्टीट्यूट राजबाग से पढ़ा है। उसके बाद क्रैश कोर्स और जो रिपीटर कोर्स है, चूँकि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, तो वो मैंने राइट वे करियर इंस्टीट्यूट से किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका जो सपोर्ट है वो बहुत इमेंस रहा है मेरी सक्सेस में। उसके बाद जो मेरी टीचर्स है उनकी गाइडेंस के बगैर तो हो नहीं सकता था ऐसा कुछ भी। स्पेशली जो फिज़िक्स है वो अमित सर और यादव सर, और बायो में असरार सर और बाबा सर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी गाइडेंस की वजह से आज इतना स्कोर जो है वो हो पाया है मेरा। पहले 11th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ रहे थे तो अराउंड अगस्त के महीने में आर्टिकल 370A जो है वो उसकी वजह से बहुत यहाँ पे टर्मोइल हो गया था, इंटरनेट शट डाउन हो गया था और 2-3 महीने तक जो है वो क्लासेस नहीं हो पाई थी। उसके बाद कोविड-19 की वजह से जो हर किसी स्टूडेंट को हार्डशिप हुई कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हो गया था। पढ़ाया टीचर्स ने वहाँ पे भी अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन मोड कभी भी ऑफलाइन कोचिंग को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये कुछ हार्डशिप्स थी जो मैंने थ्रू आउट द जर्नी फेस की है। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वो दूसरा अटैम्प्ट दे, कोशिश करे, हो जाता है। मेरा भी सेकेंड अटैम्प्ट था, तो वो अगर सिंसियर कोशिश करते हैं, हार्डवर्क, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, तो ज़रूर हो जाता है। डेली अगर टाइम की बात करें तो 7-8 घंटे अगर रेगुलर पढ़े तो हो जाता है। और रही बात बुक्स की, मटेरियल की, तो NCERT जो है वो बेसिक्स होते हैं, NCERT पढ़ी थी मैंने, और जो कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं मैंने वो कवर किए थे। जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, खासकर जो राइट वे करियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं पढ़ती थी लास्ट 2 सालों से। स्पेशली वहाँ के जो टीचर्स है वो बहुत मोटिवेटिंग है, वो बहुत इनक्रेज करते हैं। इनफैक्ट वहाँ का ओवरऑल सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ से स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैं क्लासरूम कोचिंग में थी तो वो क्लासरूम कोचिंग बहुत प्रिसाइज थी, बहुत मतलब वेल डिज़ाइन थी हर एक बच्चे के लिए। उसके अलावा जो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। मतलब बेसिक लेवल से टेस्ट होते थे, पहले टॉपिक फिर चैप्टर, ऐसे कर करके फिर मतलब बहुत अच्छे से वेल डिज़ाइन टेस्ट सीरीज़ है वहाँ की। उसके अलावा जो वहाँ के टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राइट वे करियर इंस्टीट्यूट का वो इतना अच्छे से डिज़ाइन है कि वहाँ पे एक एवरेज, एक अबो एवरेज और एक मतलब सुपर टैलेंटेड बच्चा, हर एक बच्चे के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।